सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने YouTube चैनल सेफ इंडिया में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम कॉमन अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन साइड में मिसलेनियस हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टॉप 10 कॉमन अनसेफ एक्ट के बारे में, जो हर एक सेफ्टी प्रोफेशनल को ये ऑब्जर्वेशन हर एक साइट पर या हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जरूर ही मिलती है। इम्प्रॉपर जो हमारा पीपीज है वो इम्प्रॉपर हो, पीपीज का गलत जैसे कटा हैंड ग्लव्स यूज करना या बिना टोकाट के शूज यूज करना, डिफेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना, जैसे हम कोई भी पावर टूल्स यूज करते हैं उसमें वायर कट हुआ हो, फेलियर जो क्रेन में सेफ्टी डिवाइसेस यूज करते हैं वो रिमूव कर देना, या किसी भी चुपसा मशीन में हम जो गार्ड लगाते हैं गार्ड को हटा देना, तो रिमूवल सेफ्टी डिवाइसेस, कोई भी इक्विपमेंट जैसे चुपसा मशीन में जो ब्लेड लगे होते हैं वो उसके आरपीएम से ज़्यादा स्पीड पे यूज़ करना, ये सब अनसेफ प्रैक्टिस है जो एक आदमी के द्वारा किया जाता है। बिना अथॉरिटी के आप मशीन को यूज चलाने, जैसे बार बेंडिंग बार कटिंग मशीन या कोई भी इंडस्ट्रियल में वहाँ लिखा जाता है कि ओनली फॉर ऑथोराइज्ड पर्सन, अगर कोई बिना जानकार पर्सन उसमें जाकर उसको चलाएगा तो ज़रूर एक्सीडेंट को बढ़ावा देगा। इम्प्रॉपर लाइटिंग, पावर टूल्स या इक्विपमेंट इम्प्रॉपर यूज़ करना, या अल्कोहल और ड्रग के सेवन करने के बाद साइड पे आना, या हॉर्स प्ले करना, खेल कूद करना या मजाक करना या दौड़ना साइड पे, ये सब अनसेफ एक्ट है। अब हम अनसेफ कंडीशन के बारे में जानते हैं। पुअर गार्डिंग, यानी आप प्रॉपर तरीके से उसको गार्ड नहीं किए हैं। डिफेक्टिव कंडीशन, जैसे टूल्स होते हैं अगर कटा फटा टूल्स है तो ये अनसेफ कंडीशन है। हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, अगर गलत को यूज़ कर रहे हैं तो वो अनसेफ एक्ट है, लेकिन अगर गलत पहले से ही है तो वो अनसेफ कंडीशन है। पुअर लेआउट, यानी जो कंडीशन होती है वर्किंग प्लेस का वो पुअर तरीके से हो, वो पुअर अनसेफ कंडीशन है। पुअर हाउसकीपिंग, ये अनसेफ कंडीशन है, ताकि अगर पुअर हाउसकीपिंग रहेंगे तो ज़रूर नेसेसरी नियर मिस और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे। नॉइज़ जो है वो लोड नॉइज़ रहेगा, ज़्यादा नॉइज़, ये अनसेफ कंडीशंस हैं, इसको कम किया जा सकता है। फायर और एक्सप्लोशन हजार्ड, ये भी एक प्रकार का अनसेफ कंडीशन है जो कॉमन है, हर जगह पाए जाते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी वर्किंग प्लेस कैसा है, कंस्ट्रक्शन साइड या इंडस्ट्रियल साइड हो, उसका एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो एज पर स्टैंडर्ड होने चाहिए, सेफ्टी कल्चर मेंटेन होने चाहिए। हाई और लो टेम्परेचर एक्सपोजर्स, ये भी कंडीशंस है, ये मानव के द्वारा नहीं होती है, ये नेचुरल है, इसलिए ये भी कंडीशंस है। इनएडिक्वेट इल्यूमिनेशन एंड वेंटिलेशन, प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए और वेंटिलेशन, ये कंपनी के द्वारा ये होना ही चाहिए। तो आई होप आपने काफ़ी अच्छे से समझा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।